हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कुएं में गिरे नरेंद्र को निकालने के लिए छठे दिन भी जारी रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। सोजत रोड के निकटवर्ती ग्राम बोरंडी में सेना एवं प्रशासन द्वारा छठे दिन भी रेस्क्यू जारी है तथा रात दिन लगातार राहत बचाव कार्य चल रहा है। अब कुएं में पानी पंपिंग का काम पूरा हो चुका। अब मलबा निकालने में सेना और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से रेस्क्यू चल रहा है। वहीं मारवाड़ जंक्शन तहसीलदार रामलाल मीना, सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार, विकास अधिकारी मारवाड़ जंक्शन काम सिंह, आर्मी के मेजर मनीष कुमार व कैप्टन दीपक कुमार मिश्रा के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। सोजत रोड थाना अधिकारी अनिल कुमार चौधरी सहित 5 पुलिस थानों का जाब्ता मौके पर तैनात कर रखा है, साथ ही आरएसी के जवान भी तैनात हैं। सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार ने बताया कि कुएं से पानी पंपिंग का काम पूरा हो चुका है और अब मलबा निकाला जा रहा है। कुएं में करीबन 15 फीट मलबा है। जागरूक टीवी की संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर हेमंत कुमार, पुलिस उप अधीक्षक सोजत, इन्होंने ये कहा। किस तरह से सर आपने जो कल जायजा लिया उसके बाद क्या लग रहा है? कल मेजर मनीष साहब के साथ हम लोग जो कुएं का जो पोकलैंड मशीन से जायजा लिया था, उसमें ये देखा कि पानी अब कम है और मलबा इसमें ज़्यादा है। पानी कम होने की वजह से अभी जो मशीन लगाई है तो पानी तो खिंच गया है, पूरा लगभग खिंचने वाला है। थोड़ी देर बाद में जो मलबा निकालने का काम प्रारंभ करें। कितने फीट का मलबा होगा सर? मलबा 10 से 15 फीट के बीच का मलबा। उसमें किसी प्रकार की समस्या आने की संभावना? समस्या ये है कि वो जो मलबा है वो प्योर मिट्टी है और वो जमी हुई है नीचे, तो उसको क्यों पानी निकालने के बाद वो थोड़ा सा जम सी गई है, पानी आ रहा है, उसको खरोच खरोच के बाहर निकालना पड़ेगा। जागरूक टीवी की सोजत सिटीजन थाना बोराना की रिपोर्ट।